महाराष्ट्र की महाभारत पर सुप्रीम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज 10:30 बजे इस मामले पर फैसला दिया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी उज्जवल प्रीवीर भी मौजूद रहेंगे इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कल शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। फ्लोर टेस्ट के अंदर गुप्त मतदान नहीं होगा और फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट होगा। एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा जो सभी विधायकों को सुबह शपथ दिलाएगा और उसके दोपहर बाद यहाँ महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर फडणवीस सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। मतलब शक्ति प्रदर्शन की तरफ फडणवीस सरकार बढ़ चुकी है। और उज्ज्वल, क्या लगता है पिछले 72 घंटे में जिस तरह से सिनेरियो रहा, आप किस तरह से इसे देखते हैं? आने वाला जो अभी कल शाम के 5 बजे तक का जो समय है वो बीजेपी के लिए और एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए वो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट होने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट में अभी। तो अगर शाम 5 बजे तक अगर बीजेपी जो जिस बेसिस पे शपथ ग्रहण जो कर चुकी है, अगर वो बेसिस अगर अपना वो कामयाब नहीं कर पाती है, जो कि अभी ऐसा लग रहा है, जो अभी रिपोर्ट्स देख रहे हैं हम लोग और जिस हिसाब से नेताओं के जिस हिसाब से रिएक्शन आ रहे हैं उसमें बीजेपी अभी कमज़ोर लग रही है कि वो शक्ति परीक्षण जो होगा, जो फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें बीजेपी जो है वो बैकफुट पर दिख रही है। फिलहाल जो अभी तस्वीरें जो जिस तरह से देखा जा रहा है, कल शाम में जो शिवसेना ने और बाकी एनसीपी के सदस्यों ने, कांग्रेस ने कल जो शक्ति प्रदर्शन किया होटल में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वो जो है बैकफुट पे डाल रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब तक प्रोटेम स्पीकर की बात कही जा रही है और उनको जब राज्यपाल जब शपथ दिलाएंगे, उसके बाद विधायकों को जब शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद उनका जो रोल होता है वो भी यहाँ महत्व हो जाता है, क्योंकि कौन बनेंगे प्रोटेम स्पीकर इसके लिए नाम जा चुका है राज्यपाल के पास, लेकिन अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि स्पीकर पद की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो कल दी जाएगी, जिसको भी दी जाती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है वो आने वाला जो अभी महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा, जो फ्लोर टेस्ट होगा, उसकी सारी मॉनिटरिंग जो है ये प्रोटेम स्पीकर है वही करेंगे। फिलहाल जो अभी रिपोर्ट, अभी जो ताज़ा अपडेट के हिसाब से एनसीपी पूरी कोशिश में है कि वो अजीत पवार का जो खेमा एनसीपी से जो हट के लगा हुआ है उसको मनाया जाए। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही देवेंद्र फडणवीस से मिले अजीत पवार, और इस बीच में पूरी कोशिश है कि अजीत पवार को, एनसीपी की कोशिश है कि अजीत पवार को अपने खेमे में लाया जाए और कल फ्लोर टेस्ट में है वो बहुमत साबित किया जाए। अजीत पवार को इतना अहम हम लोग क्यों मान रहे हैं यहाँ पर? महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं, अजीत पवार, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने सीएम शपथ के बाद कार्यभार भी संभाल लिया, अजीत पवार उसमें भी नज़र नहीं आए। आज 26/11 है, अजीत पवार वहाँ श्रद्धांजलि देने भी नहीं पहुँचे और अजीत पवार का कोई बयान पिछले 3 दिनों में सामने नहीं आया है। लेकिन एनसीपी बार बार अजीत पवार को मनाने की कोशिश कर रही है। और जो आपने कहा कि कल जब परेड हुई तो 162 विधायक उस परेड में शामिल भी हुए, पूरी तरह से अब सत्ता की चाबी जो विपक्षी गठबंधन है उसके पाले में, लेकिन उसके बावजूद अजीत पवार को मनाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रिया सुले लगातार उनसे बातचीत कर रही है। आपको लगता है कि अजीत पवार अभी भी किंग मेकर की पोजीशन में है? किंग मेकर के पोजीशन में बोलना अभी अजीत पवार को फिलहाल ये गलत होगा कि किंग मेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है एनसीपी खेमे से अलग थलग पड़ गए हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि अजीत पवार, टेक्निकली अजीत पवार ही अभी राज्यपाल के पास जो है, राज्यपाल के पास जो चिट्ठी है, अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो राज्यपाल के पास जो चिट्ठी है उसमें अजीत पवार ही जो विधायक दल के नेता हैं एनसीपी के, वही नियुक्त है। इसी ग्राउंड पे उनकी चिट्ठी मानी गई, इसी ग्राउंड पे राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया उसी चिट्ठी के हिसाब से। तो अगर हम टेक्निकल ग्राउंड पे बात करें, जो अभी एक बात समझना होगा कि कल जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता तब तक ये बात फैक्ट है कि अभी उप मुख्यमंत्री जो हैं वो अजीत पवार हैं। आपको लगता है कि चिट्ठी पर अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि 162 विधायकों का कल परेड हो गया है और अजीत पवार कहीं नज़र इस पूरी पिक्चर में नहीं आ रहे। ये माना जा रहा है कि 4 से 5 विधायकों का उनको समर्थन है, इससे ज़्यादा लोग उनके साथ नहीं है। चिट्ठी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा और जब सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया तो साफ हो जाता है कि जो राज्यपाल का जो वहाँ पे पूरा एक वो रहा है, सिनेरियो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है वो पलटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी वो 30 नवंबर थी। चिट्ठी क्या अभी भी मायने रखती है? नहीं, चिट्ठी मायने रखती, मैं इसीलिए ना बोल रहा हूँ क्योंकि चिट्ठी मायने रखती अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा ये जो आज अपना वो डिसीजन पढ़ा उसमें एक बहुत बड़ी बात कही कि ये जो भी फ्लोर टेस्ट होगा वो गुप्त नहीं होगा और वो लाइव होगा। ये चिट्ठी मायने रखती अगर ये जो टेस्ट फ्लोर टेस्ट है और जो शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही है ये अगर
गुप्त रूप से रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कोशिश करती और एनसीपी कोशिश करती कि जो विधायक है उन पर दबाव बनाया जाए या फिर गुप्त रूप से मतदान कराया जाए। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात आज कही कि जो हॉर्स ट्रेडिंग जो चल रहा है पिछले कई सालों में, पिछले 5 सालों में अगर देखें कि किस तरह दूसरे अन्य राज्यों में जिस तरह से सरकार बनाई है बीजेपी, तो उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चलेगी। और इसके तौर पर यहाँ भाजपा का नाम लेना लगभग जायज नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है। देखिए, आज संविधान दिवस भी है, और अगर महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात करें और अगर आंकड़ों पर हम लोग नज़र डालते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर 288 जो विधानसभा का जो पूरा कोरम है 288 का है, जिसमें 144 की संख्या होना बेहद ज़रूरी है, 144 प्लस 1। तो यहाँ पर शिवसेना के पास 56 है, एनसीपी के पास 54 है और कांग्रेस के पास 44 है। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं और तीनों का जो आंकड़ा है वो बहुमत के करीब पहुंचता है उज्जवल। लेकिन अगर हम यहाँ पर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के पास 40 जो विधायक हैं उनकी संख्या कम पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी के पास 105 विधायक हैं और बहुमत साबित करने के लिए उनको 145 विधायकों का समर्थन दिखाना है। आपको लगता है कि जादुई जो नंबर है वो बीजेपी से दूर है, विपक्षियों के पास जादुई नंबर है? जादुई नंबर की बात की जाए तो फिलहाल जो भी ग्राउंड पर दिख रहा है उसके हिसाब से एनसीपी, अजीत पवार को छोड़ के जो बाकी एनसीपी है, शिवसेना और कांग्रेस जो है वो मजबूत वाली जो एनसीपी है, जी जी, और ये तीन जो है ये अभी फिलहाल जो है मजबूत में है। पहले के भी अगर आप आंकड़ों के हिसाब से चले, अगर आप एनसीपी और बीजेपी को अगर देखें तो वो एक एनसीपी और बीजेपी को अगर आप मिला के एक सरकार बनाने की कल्पना करें, और एक कल्पना करें कि शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस है, तो ये जो नंबर, ये तीन पार्टियों का जो नंबर है वो दो पार्टी जो है जिसमें एक एनसीपी भी है और बीजेपी है उससे कई ज़्यादा है। ये तो ये अगर तीनों पार्टी जो है, अगर जिस हिसाब से पिछले एक महीने से सारा चीज़ प्रकरण चल रहा है कि तीनों में सहमति नहीं बन रही है कि कौन भाई कौन सा नेता होगा, कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा, इसी के वजह से ये सारा चीज़, अगर ये क्लियर होता तो निश्चित तौर पे तीनों की सरकार कब की बन चुकी होती, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की। लेकिन चूंकि इसमें समर्थन नहीं था, इसके वजह से जो बीजेपी है एनसीपी में जो सेंध लगा जिसके वजह से अभी सरकार बनी, इसको बनाने में वो कारगर रही। देखिए, आज चूंकि फ्लोर टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है, इससे पहले भी कई बार मौके आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट की पोजीशन या सिचुएशन आई है जहां राज्य सरकार के गठन पर सवाल उठे, चाहे 1990 का आरएम बम्बई केस हो, कर्नाटक सरकार का, उत्तराखंड सरकार का मामला हो, या जगदम्बिका पाल का मामला हो, या हाल ही का कर्नाटक येदियुरप्पा सरकार का मामला हो। अक्सर जब मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखा है, वैधानिक पीठ ने इस पर गंभीर तौर पर चर्चा की, जिसके बाद कई बार फ्लोर टेस्ट की पोजीशन सामने आई है। चूँकि अब मामला महाराष्ट्र का था तो महाराष्ट्र के अंदर भी इस तरह की सिचुएशन आई है, हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है जब महाराष्ट्र में किसी सरकार को अपना वजूद बचाए रखने के लिए फ्लोर टेस्ट की पोजीशन से गुजरना पड़ रहा है। उज्जवल, कल का दिन बेहद अहम है, चूँकि अब लगातार बयान आ रहे हैं, संजय राउत का अगर हम ट्वीट देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। संजय राउत एक ऐसी धुरी हैं जो लगातार सुर्खियों में रही है, फिर चाहे एनसीपी से गठबंधन की बात हो, कांग्रेस को मनाने की बात हो, सोनिया गांधी यानी कि 10 जनपद तक इस मामले को ले आने की बात हो, आपको लगता है कि संजय राउत एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं महाराष्ट्र की राजनीति का, और कल का दिन संजय राउत के लिए काफ़ी अहम है? संजय राउत को अगर आप पिछला अगर उनका अगर ट्रैक देखें तो वो अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। यही संजय राउत हैं जो प्रधानमंत्री की तारीफ में पुल बांध रहे थे लोकसभा के अंदर। तो संजय राउत जो है वो कई बार आध्यात्मिक तरह की बातें करते हैं, कई बार कवि बन जाते हैं, तो इसके वजह से अपनी बातों के वजह से निश्चित तौर पे संजय राउत जो हैं वो बाकी नेता जो हैं वो काफ़ी सीरियस मूड में रहने वाले, संजय राउत इससे थोड़े से विभिन्न हैं। इसके वजह से वो फिलहाल महाराष्ट्र से, आप ऐसे भी पूरा देखिए, जब से ये चुनाव हुआ है, जब से रिजल्ट आया है और बीजेपी और शिवसेना में जब से तकरार बढ़ी है, तब से संजय राउत सुर्खियों में है अपने बयानों के वजह से, कभी आध्यात्मिक, कभी कुछ क्रिएटिव। कल का दिन आपको लगता है, क्योंकि संजय राउत की नाक का सवाल है, ये सारा जो नंबर गेम था संजय राउत ने साबित किया था। संजय राउत लगातार कहते रहे कि हम पर 165 विधायकों का समर्थन है और हम समय आने पर से प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन इनके शपथ ग्रहण से पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शपथ ले लेते हैं, एक बड़ा झटका था, 72 घंटों का बुरा दौर विपक्षी पार्टियों के सर से अब निकल चुका है और अब गेंद विपक्षियों के पाले में आ गई है। ऐसे में संजय राउत को लेकर आप क्या सोचते हैं कि कोई विधायक पाले से बाहर ना चला जाए, संजय राउत की भूमिका कल क्या रहने वाली है?
संजय राउत को निश्चित तौर पे शिवसेना जो है अभी संजय राउत को अपना एक चेहरा बना के मीडिया के सामने पेश कर रही है। संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और एक बड़ा चेहरा अगर आप ठाकरे परिवार को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में ये कहना गलत नहीं होगा कि संजय राउत जो है एक बड़ा चेहरा है शिवसेना की तरफ से। तो निश्चित तौर पे ये कहना गलत नहीं है कि शिवसेना जो है संजय राउत को आगे प्रमोट कर रही है। अगर सरकार बनती है तो संजय राउत की भूमिका उसमें अहम होगी, और ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि संजय राउत को अहम मंत्रालय भी दिया जा सकता है अगर सरकार बनती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया उज्ज्वल बातचीत के लिए। तो बिल्कुल देखिए, अगले 24 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद अहम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से आज एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को बड़ी राहत जरूर मिली है। इससे पहले जो शिवसेना प्रमुख है उद्धव ठाकरे, वो लगातार इन तीनों ही पार्टी के विधायकों से मिल रहे थे, उनके मन को टटोल रहे थे। अब गेंद इन्हीं पार्टियों के पाले में है, और देखना यही है कि अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है। और ज़्यादा वक्त नहीं है, कल शाम के 5 बजे तक पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी, और देखना यही होगा कि महाराष्ट्र में अगला सूरज किस पार्टी के लिए उदय होगा। क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे के अंदर सत्ता का ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा खेल खेला गया जो आज़ाद हिंदुस्तान में अभी तक किसी सियासी दल ने नहीं किया, किसी राज्य सरकार में ऐसा नहीं हुआ। अब बारी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की है, और देखना यही है कि कल का सूरज किसके नाम होता है। कल का सूरज तो निश्चित तौर पे बीजेपी के नाम है कल का। हाँ, कल की शाम भले ही किस पार्टी के नाम हो ये कल शाम में पता चलेगा, और परसों का सूरज जो है अभी जो कयास लगाया जा रहा है कि उसे इस कयास से बदल सकता है। चलिए देखते हैं परसों का सूरज किसके नाम होता है, और जब कल का सूरज अस्त होगा तो किस पार्टी के लिए खतरे की घंटी साथ लेके जाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।